चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, श्रियांशी बंसल से, जिन्होंने इस बार इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। श्रियांशी ने भोपाल आके पढ़ाई की थी और फिर बाद में ड्यू टू कोविड घर पर रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन की। तो श्रियांशी, सबसे पहले आपको बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपके पति सर के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाए हैं ये। तो श्रियांशी, क्या होता है कि हर बच्चे की सक्सेस स्टोरी या लाइफ की सक्सेस जर्नी बहुत अलग अलग होती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इन इंटरव्यू से। तो सबसे पहले ये कि आप राजस्थान से हो, आपने कब सोचा था कि आपको एमसीए करना है, और फिर जब आपने सोचा था तो फिर कैसे एक्शन लिए और किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, यानी आपकी जो इंटायर लाइफ की सक्सेस जर्नी है वो मैं चाहूंगा आप बताएं। एमसेट के बारे में मुझे मेरे फाइनल में पता चला था मेरे फ्रेंड के थ्रू कि एमसीए एनआईटी से भी हो सकता है, पर फाइनल के साथ मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। क्योंकि आप सर बोलते हो कि हमेशा ही कि ना एक एक ड्रॉप एक इन्वेस्ट है इन्वेस्टमेंट है, तो फिर सर मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था तो पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही थी मेरी, इसलिए फिर मैंने ऑफलाइन स्विच किया। और इम्प्यूटर का जो एनवायरनमेंट है क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक तो शेड्यूल टाइम से पढ़ाई होती है कि पहले प्रतीक सर की क्लास होगी, फिर प्रैक्टिस सेशन होता है, फिर डाउट सेशन होते हैं, तो एक पूरा शेड्यूल्ड होता है पूरा टाइम, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ऐसा नहीं होता कि बर्डन एक बर्डन है, बर्डन की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं पढ़ाई को, बहुत मोटिवेटिंग होता है। और कभी कभी ऐसे सर कभी कभी ऐसे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो डिमोटिवेशन होता था, तो सर आप हमेशा ही मोटिवेट करने के लिए होते थे कि आपसे ही होगा, तुम नहीं करना है, तुम ही करोगे। और सर आप बोलते थे कि फॉर्मूला फॉर्मूला पर अच्छी कमांड करो, निम्सेट एक वॉर है तो फॉर्मूला वेपन्स है तुम्हारे, तो सर ऐसे ही अच्छा लगा बहुत पढ़ के, बहुत अच्छे इंजॉय करके पढ़ाई करी है। तो श्रेयांशी, अभी जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो क्योंकि इंदिरा गांधी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स है, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इनफैक्ट एनआईटी लेवल का कॉलेज है। स्टार्टिंग में देखें तो हम प्लेसमेंट भी टॉप प्लेसमेंट होते हैं। तो अभी आपको कॉलेज में कैसा लग रहा है और आपको सीनियर से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, और इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट अभी आपके सीनियर्स के कैसे हो रहे हैं? डब्ल्यू में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारे टेक्निकल सेल बने हुए हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। और टीचर्स भी काफी सपोर्टिव हैं, सीनियर के साथ इंटरेक्शन होता ही रहता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज में। अच्छा लग रहा है, चलो खुशी की बात है। अब ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ाई करो, और अब क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर हो गया है, तो ऐसे ही आगे भी सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करो और एक अच्छा प्लेसमेंट लो। जब आप एक प्लेसमेंट लेंगे तो फिर से आपके साथ एक और सेशन लूंगा, जब आप बताओगे कि मेरा ये प्लेसमेंट हुआ। तो वंस अगेन श्रेयांशी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू सो मच।